और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। सीजीआई को चिट्ठी भी लिखेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। AIMPLB के प्रवक्ता कासिम रसूल ने इस बात की जानकारी दी है। मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा है कि हमारी आपत्ति है और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमने राष्ट्रपति से वक्त भी मांगा है। साथ ही साथ हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखेंगे, ये भी तय किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। तो ज्ञानवापी पर कोर्ट का जो फैसला आया है, वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया है, उस फैसले के विरोध में है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और बोर्ड ने कह दिया है कि हमने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम चिट्ठी भी लिखेंगे। ज्ञानवापी में केस में पूजा पाठ का अधिकार दिए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष हलचल में है और इसी कड़ी में आज दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन भी शामिल हुए। मौलाना अरशद मदनी ने कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बाबरी और ज्ञानवापी का जिक्र करते हुए मदनी ने जल्दबाजी में फैसला देने की बात भी कही। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रख कर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फटकार लगाते हुए पूछा है कि आपने 17 जनवरी के आदेश के बजाय 31 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाए हैं, आपकी याचिका की पोषणीयता पर ही सवाल है। दरअसल इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई। व्यास जी के तहखाने में मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं देते हुए कोर्ट ने अगली तारीख के साथ ही परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। वहीं व्यास तहखाने में पूजन दर्शन जारी रहेगा। तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी बंद का ऐलान भी किया। इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मुस्लिम इलाकों में बहुत सी दुकानें बंद हैं। आज जुमा होने के चलते पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दी। ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए ताकि नमाज के दौरान किसी भी तरह की परेशानी वाली स्थिति पैदा ना हो। वहीं संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आए। नमाज के दौरान ज्ञानवापी परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही और शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। ज्ञानवापी में 1000 से अधिक नमाजी पहुंचे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज जो बनारस से सामने आई हैं। शांतिपूर्वक नमाज यहां पर अदा की गई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए थे। बंद का ऐलान मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया गया और उसका मिला जुला असर देखने को मिला। तमाम दुकानें बंद रही। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं जुमे के दिन, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। कुछ वैसी मुस्तैदी गोरखपुर में नजर आई। इटावा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आगरा में पुलिस अलर्ट मोड पर रही। चंदौली, मथुरा, देवबंद, अमेठी, सभी जगहों पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। व्यास जी के तहखाने पर वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद
उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम आज देखने को मिले, क्योंकि आज जुमा था। बड़ी संख्या में तमाम नमाजी नमाज अदा करने के लिए घरों से बाहर निकले। ऐसे में पुलिस की कोशिश थी कि कहीं पर भी शांति भंग ना होने पाए। सबसे ज़्यादा सतर्कता वाराणसी में देखने को मिली, जहां पर पुलिस ने लोगों से अपील भी की थी कि किसी भी तरीके से भ्रामक खबरें ना फैलाएं, किसी भी प्रकार से माहौल को ख़राब करने की कोशिश न करें। उसका असर भी दिखा, लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की और अपने अपने घरों को चलते बने। इन सब के बीच बंद का मिला जुला असर वाराणसी में देखने को मिला। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने ज्ञानवापी मामले पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, जबकि ज्ञानवापी में पहले भी पूजा हुआ करती है। तो पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने ज्ञानवापी मामले पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, जबकि ज्ञानवापी में पहले भी पूजा हुआ करती थी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे अंतरिम बजट पर सबसे बड़ा इंटरव्यू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख पाएंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत। क्या है भारत को विकसित बनाने का रोड मैप? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस इंटरव्यू के जरिए। बजट के आंकड़ों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा होगी। बजट के तमाम मुद्दों पर विस्तार से वो खुद यहां पर अपनी बात रखेंगी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था और बजट में सरकार के क्या बड़े लक्ष्य हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, उसको लेकर क्या रणनीति है, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस इंटरव्यू के जरिए मिल पाएगा। बजट के हर हिस्से पर वित्त मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी। आपसे थोड़ी देर बाद ये इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है और जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि कल से आज तक आपके मन में बजट को लेकर जितने भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 2047 तक भारत कैसे विकसित भारत बन पाएगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे भारत बन पाएगा, वो भी आप जान और समझ पाएंगे इस इंटरव्यू के जरिए। किसानों के लिए क्या है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, कैसे उसको धरातल पर उतारा जाएगा और आने वाले दिनों में उसका क्या असर देखने को मिलेगा, वो भी आप जान पाएंगे। बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाएगा, क्योंकि सरकार का सबसे खास जोर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है, वो भी आप जान पाएंगे इस इंटरव्यू के जरिए। कैसे तीर्थाटन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, उस दिशा में सरकार की क्या योजनाएं हैं, वित्त मंत्री के जरिए आप वो भी जान और समझ पाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी देर बाद आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख पाएंगे न्यूज 18 पर। तो कल सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया, चुनाव से ठीक पहले सरकार का ये बजट, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का जोर है, कोई लोक लुभावन वादे नहीं, और कैसे भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने की दिशा में बजट कितना सहायक होगा, ये सब कुछ आप इस इंटरव्यू के जरिए जान पाएंगे। आपसे थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे अंतरिम बजट पर सबसे बड़ा इंटरव्यू। और इसे हम क्यों सबसे बड़ा इंटरव्यू कह रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बजट से जुड़े हुए वो तमाम सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, बजट एक्सपर्ट्स के मन में चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों के मन में चल रहे हैं, युवाओं के मन में चल रहे हैं, किसानों के मन में चल रहे हैं, महिलाओं के मन में जो सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं सबसे खास सबसे बड़ा इंटरव्यू नेटवर्क की टीम पर। क्या है भारत को विकसित बनाने का रोड मैप, कैसे मोदी सरकार देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी और ये बजट उसमें कितना सहायक होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत 2047 में जब आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तो विकसित भारत अपना आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस दिशा में बजट कितना सहायक होगा, आने वाले दिनों में धरातल पर और कौन कौन सी योजनाएं उतरेंगी जिससे किसानों को, नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को फायदा होगा, वो सब कुछ आप
इस इंटरव्यू में जान पाएंगे। बजट के आंकड़ों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा होगी। बजट के तमाम मुद्दों पर विस्तार से वो खुद तमाम सवालों का जवाब देंगी। कल ही उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया और बताया कि कैसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस बजट को तैयार किया गया है, जिसका बीजेपी के तमाम नेताओं ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट का स्वागत किया, संतुलित बजट बताया कि कैसे बड़े सपने को प्राप्त करने की दिशा में ये बजट सहायक होगा। और जब आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको कुछ बड़े फैसले लेने होते हैं, और उन बड़े फैसलों की झलक भी इस बजट में देखने को मिली। देश जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में नित निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है, उसको और तेज गति के साथ बढ़ाने की दिशा में